हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे मेकअप लुक। मतलब हम जब बाहर जाते हैं तब हमें इतना वक्त नहीं होता है कि हम सारा मेकअप कर सके, या फिर इतना ज़रूरी नहीं होता है कि सारा मेकअप हम करके जाए। तो एवरीडे के लिए हम कैसा मेकअप लुक करें या फिर मैं कैसा किस तरह से करती हूँ, वही आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बीबी क्रीम तो मैंने अपनी स्किन जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, स्किन केयर कर लिया है। अब मैं करने वाली हूँ ये जो मेरे पास गार्नियर की बीबी क्रीम है वो लगाने वाली हूँ, वही मैं लगाती हूँ, मुझे यही पसंद है। या फिर मेरे पास NYBE की एक बीबी क्रीम है वो मैं लगाती हूँ। पॉन्ड्स की भी जो बीबी क्रीम है वो भी बहुत अच्छी है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने उसे ट्राई नहीं किया है। लेकिन मैंने बहुत बार मतलब मेरे सहेलियों से या फिर कई लोगों से उसके बारे में सुना है, तो वो भी बहुत अच्छी है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको अच्छे से ये आपके फेस के ऊपर स्प्रेड कर लेनी है। अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो रेगुलर यूज़ के लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ फाउंडेशन रेगुलर यूज़ के लिए, क्योंकि आपका जो फेस है वो भी ख़राब हो सकता है। और बीबी क्रीम हैवी नहीं होती है, फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी होता है, सो इसलिए मैं बीबी क्रीम सजेस्ट करूँगी। अगर आप बीबी क्रीम नहीं जानते हो तो ले लीजिए। आपको मैं गार्नियर की वाली जो बेबी क्रीम है, जो मैं प्रोडक्ट इसमें यूज़ करने वाली हूँ, वो सभी के लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक ज़रूर कीजिए। आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है ये। अगर आपको ब्रश स्प्रेड करना नहीं आता है तो आप जो ब्यूटी स्पंज होता है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो वाला, तो उसे भिगो लीजिए और फिर उसे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स बना लूँगी, अगर आपको किस तरह से यूज़ करना है वो नहीं पता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्यूटी ब्लेंडर किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है। आपको फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो हैवी कवरेज देता है गाइस, और बेबी क्रीम थोड़ा सा लो कवरेज देती है। अगर आपको थोड़ा बेबी क्रीम से ज़्यादा हैवी कवरेज चाहिए तो सीसी क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए मैं आपको बेबी क्रीम ही सजेस्ट करने वाली हूँ। तो बेबी क्रीम स्प्रेड होने के बाद या फिर अच्छी तरह से ब्लेंड होने के बाद आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर यूज़ करके आपका जो भी बेबी क्रीम है वो सेट कर लेनी है। सेट करने के लिए यहाँ पे मैं मेबेलिन की फिटमी की कॉम्पैक्ट पाउडर है जो मैं हाल ही में आपको मेरा जो अमेजोन हाउल है वो आया होगा, ये मैंने अपने कलर का नहीं लिया है, तो वही मैं आज स्प्रेड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, लाइटली कवरेज चाहिए, तो इसीलिए बस मुझे इसे सेट कर लेना है बेबी क्रीम को, मुझे कुछ हैवी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको सबसे पहले अंडर आई को सेट कर लेना है, क्योंकि अंडर आई सबसे पहले क्रैक हो जाता है, सो जहाँ जहाँ क्रैकी एरिया है ना वहाँ आपको सबसे पहले सेट कर लेना होगा, नहीं तो वो क्रैक हो जाए तो वो अच्छा नहीं दिखता है। मैंने यहाँ पे मेरा जो बीबी क्रीम थी वो सेट कर ली है कॉम्पैक्ट पाउडर से, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा जो आई मेकअप है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं हैवी कोई आई मेकअप क्रिएट नहीं करती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए, तो जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ तो ये है श्रेयॉन का इजी पीसी आई शेडो पैलेट, आई शेडो और हाईलाइटर पैलेट है ये, तो इसमें से ये वाला शेड मैं लेने वाली हूँ और मैं अपना जो आई मेकअप है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं ये ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपको हल्के हाथों से ही करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे हैवी मेकअप नहीं पसंद है, तो मैं हल्के हल्के से ही लगा रही हूँ। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मैंने आपको कुछ लगाया है, ऐसा ही नॉर्मल सा ऐसा नेचुरल दिखना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बस उतना ही। सो गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही लगा लिया है। अब मैं करने वाली हूँ अपना आईब्रोज को सेट,
क्योंकि आईब्रोज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइस देख सकते हैं मेरे आईब्रोज कितने बड़े हैं, तो मैं उन्हें सेट ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े मतलब अच्छे लगते हैं इतने बड़े ही रखना। लेकिन यहाँ से ना आईब्रोज थोड़ा सा कट हो चुका है क्योंकि मैं घर पर ही बनाए थे। अगर आपको देखना है मैं किस तरह से आईब्रो बनाती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो वाला वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बना के आऊँगी। सो गाइस सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ। तो अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं जो ये वाला ब्रश होता है ना वो यूज़ करती हूँ और अपने आईब्रोज को पहले शेप दे देती हूँ अच्छे से और फिर उसमें मैं सेट कर लेती हूँ अच्छे से। मैंने शेप दिया ना तो ही अच्छे से हो जाते हैं, मुझे सेट कर लेना है ऐसा ही कुछ नहीं होता है। मैं अभी शेप ही दे रही हूँ, इतना ही मैं सेट करती हूँ रेगुलर बेस पे। आईब्रो पेंसिल ही लगानी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आईब्रोज बड़े हैं तो अच्छे दिखते हैं। सो उसके बाद अब अपने आईब्रोज को सेट करने के बाद मैं लगाने वाली हूँ आईलाइनर। तो मैं रेगुलर यूज़ के लिए जो आईलाइनर आप लगाते हैं वही लगाती हूँ। तो आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैं मेबेलिन कलोरसर का ये बोल्ड आईलाइनर है वो लगा रही हूँ। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, आपने कहीं वीडियो में आपने देखा होगा मुझे आईलाइनर लगाते हुए, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगता भी है और इसकी टिप जो है ना वो भी बहुत अच्छी है और अच्छे से लगता है, बिगनर्स के लिए भी बहुत मतलब बिगनर्स फ्रेंडली है। तो आपको मैं यही लगा के दिखा देती हूँ। ही बोल्ड आईलाइनर लगाना पसंद है तो मैंने इतना ही लगा लिया है। आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से लगा सकते हैं, अगर आपको विंग लाइनर पसंद है रेगुलर यूज़ के लिए तो आप उस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की जो मेरे पास काजल है, काजल प्लस आइनर, उसका यूज़ करके काजल लगाने वाली हूँ। मुझे काजल लगाना खास पसंद नहीं है, मैं रेगुलर यूज़ के लिए बस थोड़ा सा मिनिमम सा काजल यूज़ करती हूँ, तो वही आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ। गाइस काजल लगा के हो चुका है क्योंकि मुझे इतना ही मिनिमम सा ही पसंद है, सो मैं इतना ही लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा। तो मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ये वॉल फ्री मस्कारा है उसका यूज़ कर रही हूँ। मैं ना ही कोई कर्ल किया है अपने आईलैशेस को, कर्लर नहीं यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट मस्कारा ही लगा रही हूँ। ये अच्छे से वॉल्यूम दे देता है, इतनी खास वॉल्यूम नहीं देता है लेकिन अच्छे दे देता है, कवरेज तो थोड़ी बहुत होती ही है। मैंने थोड़ा सा ही मस्कारा लगा लिया है। अब आते हैं ब्लश के ऊपर क्योंकि मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, तो मैं ब्लश लगाती हूँ। उसके अलावा मैं अपना मेकअप जो होता है वो कंप्लीट नहीं करती हूँ, सो मैं ब्लश लगाने वाली हूँ। तो ब्लश के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का ये वाला ब्लश, तो ये है चिकी गर्ल्स ब्लश, तो ये वाला यूज़ करने वाली हूँ मैं आज। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ये वाला मैंने हाल ही में लिया था, पता नहीं मैंने हाउल किया या नहीं किया था लेकिन मैंने ये वाला लिया था हाल ही में, आपको पता होगा बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये वाला मैं लगाने वाली हूँ। तो ज़्यादा ब्लश नहीं लेना है, आपको मिनिमम ही ब्लश लेना है और आपको अच्छे से आपके चिक बोन्स के ऊपर आपको लगा लेना है। लगाने वाली हूँ ये मेरी लिपस्टिक, तो ये NYB की लिपस्टिक है, जो भी इसका शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये वाली मैं लगाने वाली हूँ, न्यू टाइप कुछ है ये लिपस्टिक। सो मेकअप हो जाने के बाद आपको अपने बाल बना लेने हैं, अच्छे से ज्वेलरी डालनी है और अच्छे से आउटफिट डाल के रेडी हो जाना है। तो इतना सही मैं करती हूँ अपने रेगुलर मेकअप के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस कितने कम वक्त में ये मेकअप लुक रेडी भी हो गया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और अपना जो टाइम होता है, टाइम वेस्ट होता है वो बचा सकते हैं। गाइस अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो या फिर मैंने ये जो भी कर लिया है वो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताना और मैं आपको मिलती हूँ अब मेरा हेयर स्टाइल और जो मेरी ज्वेलरी है वो डाल के। सो गाइज आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ज्वेलरी और अपनी जो हेयर स्टाइल है वो बना के आपके सामने आ चुकी हूँ। सो आप भी इस तरह से कर लीजिए और बाहर निकल जाइए अब जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ पे। तो आपको इस तरह से करने से आपका टाइम भी बच जाएगा और सब कुछ आपका मेकअप भी हो जाएगा, आप अच्छे भी दिखोगे। सो गाइज अगर आपको नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही है तो सॉरी गाइज, क्योंकि ऊपर कुछ काम चल रहा है तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइस हो रही है।
तो इसलिए सॉरी। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, ढेर सारे प्यारे प्यारे से लाइक करना, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।